सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज हिंदी चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और WWE की अपडेट्स पाएं सबसे पहले। आज की बड़ी अपडेट्स में हम शुरुआत करते हैं 5 सितंबर के स्मैकडाउन लाइव से। तो शो की शुरुआत हुई केविन ओवंस और शेन मैकमैन की झड़प के साथ। शेन और केविन रिंग में थे तो दोनों में बहस चल रही थी। तभी केविन ओवंस ने शेन के परिवार पर कमेंट किए और शेन मैकमैन केविन ओवंस पर टूट पड़े और अनाउंस टेबल पर ले जाकर मारा। और इसके बाद SD लाइव के मैनेजर डेनियल ब्रायन के पास विंस मैकमैन का कॉल आया और शेन को सस्पेंड करने के लिए कहा। डेनियल ब्रायन ने रिंग में आकर शेन मैकमैन को अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दिया। अगले हफ्ते स्मैकडाउन में विंस मैकमैन आने वाले और यहां आकर वे क्या करने वाले हैं किसी को पता नहीं है। नेक्स्ट अपडेट है, इस लाइव इवेंट में एक और जोरदार मैच देखने को मिला। शिंसुके नाकामुरा और रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच, जिसमें नाकामुरा ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया। और अब शिंसुके नाकामुरा 8 अक्टूबर को होने वाले हेल इन ए सेल मैच में जिंदर महल को WWE चैंपियनशिप के लिए चुनौती देंगे। सितंबर में कंपनी का भारत टूर है, जिससे भारतीय रेसलर से कंपनी को फायदा होगा और हेल इन ए सेल मैच अक्टूबर में होने वाला है। ऐसे में टाइटल चेंज होने की पूरी संभावना है, क्योंकि कई फैंस स्मैकडाउन की गिरती व्यूअरशिप के लिए जिंदर महल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है, नो मर्सी में क्रूजरवेट चैंपियनशिप मैच की ऑफिशियल घोषणा हो गई। नो मर्सी में ये मैच एंजो मोरे और नेविल्स के बीच होगा। इस हफ्ते लाइव 205 में एंजो मोरे ने नंबर 1 कंटेंडर मैच के लिए फेडरल 5 मैच को जीता और नो मर्सी में नेविल से क्रूजरवेट चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे। एंजो मोरे के इस शो में जाने के बाद शो में जान आ गई और नो मर्सी में एक शानदार मैच देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है।